Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Guys, welcome to Tech You guys. फिर आज एक नया टेक वीडियो में नए टेक्नोलॉजी के साथ यार, और आज मेरे पास है बोट बेब कोर। इससे पहले मैं कर चुका हूँ बोट बेब बीट की अनबॉक्सिंग, जिसका वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट ही नंबर पे लिंक जाकर चेक कर लो। और इससे भी एडवांस मेरे पास है आज बोट बेब कोर। जैसे इसका नाम है यार, वैसे इसके फंक्शंस भी हैं। इस वॉच में आप कॉल भी कर पाओगे, इसमें आपको माइक्रोफोन से लेकर स्पीकर भी देखने को मिलता है। यही नहीं, इसमें बहुत से ऐसे खतरनाक फीचर्स हैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये वॉच किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं, किन लोगों के लिए है और किन के लिए नहीं, इसकी मैं प्राइस भी आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक, और वीडियो को अभी तक आगे बढ़ने से पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। तो चलो फटाफट से बिना लेट किए करते हैं इस वॉच की अनबॉक्सिंग को, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो देख रहे हो यार, पहले तो इसका आप बॉक्स देख लो, फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, क्योंकि मेरा एक्साइटमेंट लेवल जो है ना बिल्कुल हाई होता जा रहा है। और एक बात और बता दूं, इसका ही एक सेकेंड मॉडल मैं 5 दिनों तक यूज कर चुका हूं, तो उसका एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताऊंगा कैसा रहा। पर ये मेरा नया बॉक्स है। ओह शिट, चलो कुछ नहीं होता, यहां से फट जाने दो। एंड मैं यहां से करता हूं इसको अनबॉक्स, और अब पहले एक्सपीरियंस के लिए तैयार। तो बोच आया हमारा धीरे 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 बाहर, और ये है हमारा बोट बेब कोर। इस बॉक्स को रखते हैं साइड में और निकालते हैं सबसे पहले हम अपने बोच को बाहर। बोच को भी रखता हूं मैं अभी साइड में, और देखते हैं कितने को बॉक्स में क्या क्या देखने को मिला। तो बोट का एक स्टिकर सबसे पहले हमारे पास, उसके बाद हमारे पास एक वारंटी कार्ड। इसमें आप 1 ईयर की वारंटी क्लेम कर सकते हो। यदि आपका बॉक्स बीच में डिस्टर्ब होगा तो आपको कुछ नहीं करना, इस बॉक्स में दिए नंबर पे सीधे आपको कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करना है और अपने वारंटी कार्ड को यूज करना है। आपके पास खुद रिसीव के लिए बोट सर्विस सेंटर से आएंगे रिसीव करने के लिए, और आप इस बॉक्स की वारंटी को यूज कर पाओगे। मैंने ऐसा किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास कुछ यूजर मैनुअल जिसमें बहुत से इसके यूजेस हैं, इसको भी रखते हैं हम साइड में। और ये हमारे बोट के ब्रांडर्स, इसको भी रखो साइड में। एंड थैंक यू कार्ड। और ये हमारे पास है एक मैग्नेटिक चार्जर जो कि मैग्नेटिक चार्जिंग को सपोर्ट करता है ये बोच। करते हैं हम सबसे पहले इस बोच को अनबॉक्स। और इस बोच की मैं बात करूं यार, तो कितना लाइट वेट एंड कितना स्लिम बॉडी देखने को मिलता है। एंड मैं इसकी स्ट्रैप की मैं बात करूं तो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट स्ट्रैप देखने को मिलता है, वाह। एंड मैं इसके डिस्प्ले की भी बात करूं यदि आपसे, तो जो ये वॉच है इसमें आपको देखने को मिलता है 1.69 इंचेस का एक HD डिस्प्ले। और यही नहीं, आप इसके कर्व को देखिए, जो ये कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है ना, और यहाँ पे जो ये बेजल्स है ना, बेजल्स को कितने अच्छे से कर्व किया गया है, देखो इतना मस्त एंड खतरनाक लुक देता है। और सबसे स्पेशल बात इस वॉच की मुझे ये लगी कि हर वॉच में नॉर्मली इस बटन को नीचे दिया जाता है, बट थोड़ा इसको स्टाइलिश करने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए इसको ऊपर दे दिया गया है, जो भी एक काफी अट्रैक्टिव लुक देता है इस वॉच को। इसको कहता हूं मैं स्विच ऑफ से ऑन। इसके लिए आपको करना होगा लॉन्ग प्रेस करके रखो इस बटन को, ये होता है स्विच ऑफ से स्विच ऑन। जब तक इतनी जल्दी, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये वॉच होगा चार्ज, ये मैग्नेटिक चार्जिंग है। एंड इसमें वो सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं जो एक हर बोच नॉर्मल बोच में मिलते हैं, पर एक्स्ट्रा इसमें क्या है वो फीचर्स भी मैं आपको बताऊंगा। और एक बात और बताना भूल गया, वो ये कि यहाँ आपको मिल जाता है माइक्रोफोन एंड स्पीकर के लिए थोड़ी सी जगह। और इस बोच की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बोच करता है IP68 को सपोर्ट, मतलब आप इसे तो पानी में पहन के धो दोगे या अपना हालोगे, इस बोच को कुछ नहीं होने वाला। ये इस बोच की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और स्ट्रैप की तो क्या बात करूं, 20mm का जो स्ट्रैप साइज देखने को मिलता है। डेफिनेटली इस बोच को आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, एंड इस स्ट्रैप को आप चेंज भी कर पाओगे बिल्कुल। यहां से आपको प्रेस करना है लॉन्ग प्रेस, एंड ये रिमूव, एंड दोबारा से आपको यही लगाना है, नीचे की तरफ पुल करना है एंड डाउन करना है। अब चलो मैं दिखा देता हूं आपको कि इस बोच के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं इस बोच के ऊपर से, जब इसको हम डाउन करें या तो जो शटर पैनल है इसमें आपको बहुत से फीचर्स शॉर्ट एक्सेस में देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक टाइम देखने को मिल जाता है एंड ब्लूटूथ और संडे मंडे ट्यूजडे जो भी हो, आप यहाँ पे बैटरी परसेंटेज या यहाँ तक कि आप वेदर का इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मैं बात करूं इस फंक्शन की, तो ये एक कॉलिंग फंक्शन है, जब इसको आप ऑन करते हो तब इससे आपको इस बोच में आप कॉल रिसीव भी कर पाओगे और बात भी कर पाओगे। जब इसको आप ऑफ कर देते हो तो केवल कॉल
आप देख पाओगे, रिसीव नहीं कर पाओगे। तो इसको रहने देता हूं मैं ऑन। इसके बाद हमारे पास यहाँ आ जाता है डीएनडी का मूड। इस मूड को ऑन करने के बाद डू नॉट डिस्टर्ब में चला जाएगा आपका फोन। इसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल, और इस वॉच की ब्राइटनेस लेवल की मैं बात करूंगा तो 550 nits से ज्यादा इसको ब्राइटनेस देखने को मिलता है, जो कि एक कतई जहर ब्राइटनेस है। मतलब धूप में पहनो या फिर रात के अंधेरे में खतरनाक दिखने वाला है इस वॉच में। एंड मैं इसकी ब्राइटनेस को करता हूँ अभी कम, क्योंकि मेरी आंख फूट जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है शॉर्ट्स एक्सेस स्पोर्ट मोड, जिसमें आपको मिलता है वॉक, रन, साइकिलिंग, क्लाइंबिंग एंड बहुत सारे 80 से भी ज्यादा कस्टमाइज करने की भी ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद मैं आ जाता हूँ, ये स्कैनर है जिसको आप ऐप डाउनलोड कर पाओगे एंड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिल जाती है इस वॉच के बारे में, कि कुछ आईडी वगैरह जो भी हो। एंड यहाँ से आप शॉर्ट एक्सेस करके सेल फोन रिंगटोन कर पाओगे, जिस फोन से ये कनेक्ट होगा, और इजिली आप उस फोन को ट्रैक कर पाओगे। यदि आप कहीं रख देते हो ना सोफे के नीचे या फिर कहीं हो, तो आप इसकी मदद से इजिली उसको ट्रैक कर पाओगे एंड साउंडिंग कर पाओगे। और यहाँ से आ जाते हैं हम सीधे शॉर्टकट सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स के अंदर अभी मैं नहीं जाऊंगा, इसके और फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप इसको राइट करते हो तो राइट में सीधे आपको ऐप सेटिंग मिल जाते हैं, जब इसको आप लेफ्ट करते हो तो आपके पास इस वॉच में चाहे वो इंस्टा का हो, व्हाट्सएप का हो, एफबी का हो, ट्विटर का हो, टिंडर का हो, या फिर मेल का ही मैसेजेस क्यों ना हो, आप इसमें रिसीव कर पाओगे बट रिप्लाई नहीं। इसके बाद मैं बात करूं नीचे की तरफ से यार, तो इसके शटर पैनल में सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है स्पोर्ट मोड। इसके बाद आ जाता है हार्ट बीट रेट, और इस वॉच में जो ये सेंसर देखने को मिलता है ना, SpO2 रेट, हार्ट बीट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग रेट, यहां तक कि आप इसमें इस वॉच में अलार्म भी फिट कर पाओगे और इसमें आप टाइमर भी लगा पाओगे और स्लीप को भी अपने डिटेक्ट कर पाओगे। मतलब आप सोने से लेकर जागने तक हर एक चीज ट्रैक कर पाओगे इस वॉच में। इसके बाद नीचे की तरफ जैसे हम करें, स्लीप मूड है जैसे मैंने बताया, वेदर मूड है, वेदर का हर एक कंडीशन, आप अपने पड़ोसी के घर के भी भविष्यवाणी कर पाओगे कि उसके घर में पानी गिरने वाला है कि नहीं, ये वेदर मूड भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद नीचे जो है सबसे मेन फंक्शन है ये कॉलिंग का फंक्शन। इसको ऑन करने के बाद आप बिल्कुल सटक चुका है, इसको फिर से आ जाते हैं। इसको ऑन करने के बाद अब आपके फोन में जो भी कॉल आएगा वो इससे भी आप रिसीव कर पाओगे, बात कर पाओगे, और यही नहीं इसमें आप 10 से भी ज्यादा कॉन्टेक्ट सेव कर पाओगे। फिलहाल मैंने 2 कॉन्टेक्ट सेव करके रखे हैं, आप भी कर सकते हो। एंड यहां से आप मैनुअली टाइप करके, जैसे कि मैं चाहूं तो यहां से अपने जिस नंबर पर टाइप करके डालना चाहूं, कॉल करना चाहूं, इजिली मैं उसको कॉल कर पाऊंगा, तो आप भी इस वॉच के थ्रू कर पाएंगे। एंड जो ये है आपका रिसेंट हिस्ट्री, कॉल कौन सा कॉल आया और कौन सा कॉल गया, इसमें आपको हिस्ट्री भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं और नीचे फीचर्स पे, तो यहाँ पे आ जाता है म्यूजिक कंट्रोल। मैं ये सारे फीचर्स आपको यूज करके दिखाने वाला हूँ, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। एंड म्यूजिक कंट्रोल के बाद अब जाते हैं सीधे हम इसके एप्स पे, कि इसमें कौन कौन से एप्स, कौन कौन से फीचर्स अपने को देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही हम राइट स्वाइप करते हैं, सबसे पहले जो हमारा मूड है स्लीप मूड। स्लीप मूड में आप स्लीपिंग टाइमिंग, ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, ये ऑटोमेटिकली आप कब सोते हैं कब जागते हैं ये आपको मॉनिटर करेगा, बस आपको इस वॉच को पहन के रखना है। एंड SpO2 रेट देखने को मिल जाता है कि आपके खून में कितना हीमोग्लोबिन है और कितना ऑक्सीजन है। बस इसके सेंसर्स को आपके हाथों की कलाई से कनेक्ट रखना भाई साहब, क्योंकि ये धागा प्यार का है और 1700 रुपए महंगा भी है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच से आप जब भी कहीं भी रनिंग करो, किसी को भी ट्रैक करना हो तो स्टॉप वॉच से कर सकते हो। फाइंड माई डिवाइस जैसे मैंने बताया, शॉर्ट एक्सेस इसका ऊपर भी था, इसमें आप टाइमर भी डाल सकते हो, 10 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, यहां तक कि कस्टमाइज का ऑप्शन भी है। सेटिंग्स के अंदर मैं बात करूं यहाँ तो जो इसका थोबड़ा है ना, इसको आप 150 से भी ज्यादा फीचर्स डाल सकते हो। जैसे ये देखो अभी मेरे पास फिलहाल ये था, इसमें आप अपना फेस भी डाल पाओगे, एक अच्छा सा थोड़ा लगा लेना। तक वीडियो में यहाँ तक देख लीजिए, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना तो मत भूलना। और इसके अंदर एक खतरनाक एडवांस फीचर है, वो ये कि जब आप इस वॉच को हैंड में पहनने के बाद ना ऐसे करोगे तो ये वॉच ऑन होगा और ऐसे करोगे तो ये वॉच ऑफ हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि इसके अंदर मिलता है आपको राइज एंड बैकअप सिस्टम। इस सेटिंग को ऑन रखना ना हो तो कर लेना। नीचे आ जाते हैं हम डाउनलोड ऐप। जो एप्स यदि आपको डाउनलोड करना है, यदि बॉक्स में आपको QR नहीं मिला है कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ से भी आप इसमें एप्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड रिसेट और पावर ऑफ का बटन, तो रिसेट हमको करना नहीं है और पावर ऑफ में हमको जाना नहीं है, ठीक है। अब करते हैं इस फोन को अपने फोन से कनेक्ट और देखते हैं कनेक्ट करने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जो आपको बॉक्स मिला इस बॉक्स की आइट साइड देख लेना, दिख जाए तो बढ़िया, ना दिखे तो मैंने बता दिया है इस वॉच के अंदर भी एक QR कोड है। इस QR कोड को आप स्कैन करना है, QR कोड को आपके फोन के स्कैनर से, यदि आपके फोन के अंदर स्कैनर नहीं है तो जो एप्स मैं बताता हूँ प्ले स्टोर में जाना और सेम टू सेम उसको लिख के डाउनलोड कर लेना। उसके बाद कनेक्ट कैसे करना है, चलो कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। जाना है अपने प्ले स्टोर के ऑप्शन में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च मारना है, बोट बी अवेलेबल आपको सर्च मारना है। एंड इस एप्स को आपको इंस्टॉल
कर लेना है। ये ऐप केवल वर्क करेगा बोट बेप कॉल के लिए, जो बाकी स्मार्टफोन में ये ऐप्स वर्क नहीं करेगा। ये 69 MB का जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। मैं इसके आपके और फीचर्स बता देता हूँ। जैसे मैं बात करूँ यार इसके लुक्स के बारे में, तो मैंने आपको बता चुका है एंड माइक्रोफोन भी बता चुका है आपको, तो चलो कुछ आपको टेस्ट करके भी दिखा देते हैं कि हार्ट बीट रेट कैसे वर्क करता है जब तक कि हमारा ऐप्स डाउनलोड हो रहा है, टैप कर पाओगे। एंड ये हुआ फिट, कितना कंफर्ट है यार इसका, कंफर्टनेस की लेवल तो आप मैं ही बता सकता हूँ कि कैसे मेरे को फील आ रहा है। एंड इसको करता हूँ यहाँ से मैं, देखो कितने एक्यूरेसी है, वो तो आप जानते हो हर वॉच आजकल एक्यूरेसी में एक्सपर्ट है। बट इसका जो सेंसर है, मेरे को लग रहा है हार्ट मेरा निकालना ले। जब तक हमारा ऐप्स भी हो चुका है डाउनलोड, इस ऐप्स को कर लेता हूँ मैं ऑन। तो RPM रेट आया मेरा यहाँ पे आया 92 BPM। अब इतना एक्यूरेसी तो चलता है जो भी हो। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि इससे कैसे कनेक्ट करना है आपको। जो परमिशन आपको मांगे सबको अलाउ कर देना है आपको। एंड अलाउ करने के बाद अलाउ ऐप, और यहाँ पे आके बोट बेप इस वाले ऑप्शन को अलाउ कर देना है। आपका जो वॉच है कनेक्ट हो जाएगा इजीली, देखो गोट इट करना है। अब यहाँ जो मेन फीचर से आपको ये करना है कि जो आपका वॉच है उसी को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा वॉच कौन सा है, बेप कॉल, बेप कॉल है तो बेप लाइट को सिलेक्ट नहीं करना, डेल्टा को सिलेक्ट नहीं करना है, समझे, बेप कॉल को सिलेक्ट करना है। तो बेप कॉल अपना ऑप्शन ये है, बेप कॉल को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ आप देखिए सेटिंग्स अलाउ करते जाने हैं, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन हुआ, इसको भी आपको इसी सेटिंग में जाकर डन कर देना है, डन ऑप्टिमाइजेशन। बहुत से ऑप्शन आपको ऑन करने होंगे, जितने ऑप्शन है सारे ऑटो स्टार्ट एंड सेटअप पर क्लिक करना है, आई एग्री, नेक्स्ट। अब देखो ये वॉच को मेरा नियर बाई डिवाइस से ऑटोमेटिकली क्या कर चुका है, ये डिटेक्ट कर चुका है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पेयर दबाना है, देखो पेयर हो जाएगा, बस देखते रहना, ये पेयरिंग सक्सेसफुली पेयर हो चुका। अब देखो इस वॉच के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना मेल, आप मेल हो फीमेल जो भी हो, आपको अपनी ईयर्स डाल लेना है, अपना फिट डाल लेना है, एटलीस्ट मैं 5-6 feet का हूँ, मैं 6 कर लेता हूँ। एंड अपने को केजी डाल लेनी है, 57 कर लेता हूँ। एंड आप दिन में कितने मीटर चलने हैं वो आपको सेट कर लेना है, ठीक है, और इसके बाद डन गोट इट करना है। अब ये वॉच हो चुका है कनेक्ट, इस फोन से आप कौन कौन से फीचर ऑपरेट कर पाओगे। तो एक बात और बताना मैं भूल गया यार, इस वॉच में जो आपको पेडोमीटर देखने को मिलता है ना, बहुत ही एक्सीलेंट पेडोमीटर देखने को मिलता है। इसे मैंने 5 दिनों तक यूज किया है और इसका जो पेडोमीटर का एक्सपीरियंस है यार, बहुत ही तगड़ी एक्सपीरियंस है। आप बैठोगे तो चलोगे तो हर एक चीज का अलग अलग आपको हिसाब देता है। जो ऑप्शन आपके वॉच में ऑन ना हो तो आपको सिंपली जाना है इस वॉच वाले ऑप्शन में एंड गोट इट करना है। और यहाँ पे आने के बाद आप जो वॉच का फेस चाहो यहाँ से डाउनलोड भी कर पाओगे एंड कस्टमाइज जो वॉच का फेस आप करना चाहो वो कर पाओगे। जैसे ये देखो अभी मैंने इसको कर दिया, इसको कर दिया, जो आप इजिली सिंपल चेंज करना चाहो वो कर पाओगे। फिलहाल मेरे को यही अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको रहने देता हूँ। एंड ब्लूटूथ कॉलिंग को आपको सेटअप कर लेना है। ब्लूटूथ कॉलिंग में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ओके करना है एंड यहाँ सिंक कॉन्टेक्ट करके जिस कॉन्टेक्ट को आप सेव करना चाहते हो इसके वॉच लिस्ट में, जो मैंने पहले बताया था, प्लस के आइकन पे जाना है। यहाँ से मैं करता हूँ आशीष साहू, ये रहा आशीष साहू एंड मैंने इसको डन कर दिया। ये कॉन्टेक्ट मेरे जा चुका है वॉच के अंदर, ठीक है, वॉच से कनेक्ट हो गया। एंड इसके बाद आपको करना है ऐप नोटिफिकेशन में, यदि आप चाहते हो व्हाट्सएप का मैसेज या फिर आप किसी भी अदर एप्स का मैसेज नोटिफिकेशन अपने वॉच में चाहते हो तो यहाँ से आपको सिंपली उस ऑप्शन को अलाउ बस कर देना है। यदि ना हो तो अलाउ कर लेना, वैसे तो इसमें बाय डिफॉल्ट अलाउ देखने को मिल जाता है। एंड अलार्म का ऑप्शन भी आप सिंपली यहाँ से प्लेस करके अलार्म सेट कर पाओगे और ये काम आप अपने वॉच से भी। हाँ, यहाँ पे आपको फाइंड माई डिवाइस और कैमरे का ऑप्शन मिलता है। देखो कैमरे का ऑप्शन को मैं यूज करके दिखाता हूँ, सामने एक बंदा मेरा बैठा हुआ है ये, एंड इसकी पिक्चर मेरे को क्लिक करनी है तो आप इसको शटर की तरह यूज कर पाओगे। देखो मूव पिक्चर क्लिक हो गई यहाँ पे, तो इस तरह से आप क्लिक कर पाओगे। जितनी बार क्लिक करोगे ये एक वाइब्रेशन साउंड छोड़ता है एंड पिक्चर क्लिक कर देता है। इसके बाद अलर्ट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है इसमें। ड्रिंकिंग वाटर का भी आपको ये क्या मिलता है, टाइमर मिलता है कि आपको कितना पानी पीना है, तो उसको भी आप यहाँ से डिटेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे जो है आपको डैशबोर्ड देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा डैशबोर्ड है। अब चलो बिना बकवास के करते हैं यार इसके कॉलिंग फंक्शन को टेस्ट। सबसे पहले म्यूजिक फंक्शन टेस्ट करके देखते हैं। तो म्यूजिक के लिए हमारे पास स्पॉटिफाई M610 का, इसमें काफी तगड़ा स्पीकर देखने को मिलता है जो कि एक काफी तगड़ी साउंड प्रोड्यूस करता है। एंड इससे मैं कॉल करूं यार तो कॉल के ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूं। मैं आशीष साहू को कॉल करके दिखाता हूं आपको। देखो तो सिंपली आपको देखो यहां पे जाना है, कॉन्टेक्ट मैंने सेव किया था, जो कॉन्टेक्ट मैंने सेव किया वही कॉन्टेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। उस कॉन्टेक्ट को मैं करूंगा सिलेक्ट एंड कॉल, स्पीकर साउंड सुनो आप भाई साहब, फोन नहीं उठा रहा बट इस, हेलो आशीष आवाज आ रहा है? ये जो अभी हम बात कर रहे हैं आपके बॉस से बात कर रहे हैं, कैसे आवाज आ रहा है, क्लियर आवाज आ रहा है या फिर कट रहा है? क्लियर आवाज है, देख रहे हो।
इसका जो माइक है बहुत ही तगड़ी तरीके से बरकत है भाई। भाई साहब अभी मैं रख रहा हूँ कॉल, बस स्पीकर चेक करना था इसलिए आपको कॉल किया। हाँ ठीक है, तो अब मैं आपको बता चुका हूँ वो हर एक फीचर जो इस बोझ को चाहिए था। अब इसकी मैं प्राइस की बात कर लेता हूँ यार, जो आपको चाहिए। इस बोझ की प्राइस है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, पहले वहां जाके आप चेक कर लो, क्योंकि इस बोझ की प्राइस है 1699 यानी कि 1700 रुपए। अब 1700 रुपए में बोट बे कॉल से अच्छा ऑप्शन मेरे को नहीं मिला, क्योंकि इसमें आप कॉल भी कर पाओगे, डिटेक्ट भी कर पाओगे। और यदि आप बिजनेस माइंडेड पर्सन हो, स्टूडेंट हो या फिर कोई बिजनेस में वर्क करते हो, फॉर एग्जाम्पल यदि आप शॉप में बैठते हो, यदि आपको फटाफट से फोन चेक करने का टाइम नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर रहे हो, तो आप उस मैसेज को देख पाओगे कि आपको पेमेंट रिसीव हुआ या नहीं। यही नहीं, आप स्कूल कॉलेजों में भी पढ़ते हो तो आपके लिए बेस्ट। यदि आपको फोन का एडिक्शन है तो इससे बच सकते हो, क्योंकि आपको बार बार फोन खोलने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो ये वॉच केवल 1700 रुपए में, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यदि अभी तक आपने बाय नहीं किया तो वहां से जाके बाय कर सकते हो। इसका कंपैरिजन वीडियो भी आएगा इसी चैनल पे बोट बेब बीट के साथ। ये हमारे पास जो था बोट बेब कॉल था, और इससे पहले मैं इसकी बोट बेब बीट का भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको भी देख लो, कौन सा बोझ आपके लिए सफिशियंट है, उस बोझ की भी प्राइस ज्यादा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना मत भूलना। तब तक के लिए राम राम। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all.